वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे जनसंख्या से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हम हिंदी में करेंगे और जनसंख्या हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। 2011 की जनसंख्या के सभी आंकड़े हम 2011 की जनसंख्या के लेंगे। और एक दो तीन चार क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चंस कि भारत में पहली बार जनसंख्या गणना जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में नियमित जनगणना कब से शुरुआत हुई। भारत में नियमित गणना जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई, जब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 को हुई। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि जनगणना का महाविभाजिक वर्ष कौन सा है। जनगणना का महाविभाजिक वर्ष 1921 है। जनगणना की अवधि कितनी है, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। 2011 में पिछली बार जनगणना हुई थी, अब 2021 में हमारी जनगणना होगी। हमारा छठा क्वेश्चन है कि जनगणना का लघु विभाजिक वर्ष कौन सा है। जनगणना का लघु विभाजिक वर्ष 1951 है। 2011 की जनगणना का शीर्ष वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। ये एक टैगलाइन थी जो जनगणना को 2011 की जनगणना को दी गई थी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना का क्रम क्या था। 2011 की जनगणना देश की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना में पूछे प्रश्न 29 29 प्रश्न पूछे गए थे 2011 की जनगणना में। हमारा दसवां क्वेश्चन है कि जनगणना का शुभांकर, तो प्रागणिक शिक्षा। पहली बार जातिधारित जनगणना कब हुई, जो पहली बार जातिधारित जनगणना हुई थी हमारी 1931 को। विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनगणना दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,970 है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व की जनगणना का भाग, जो 17.5% कुल विश्व की जनसंख्या भारत में रहती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जनसंख्या कितनी है। हमारे भारत में पुरुष जनसंख्या है जो 62,70,258 है। और जो महिला जनसंख्या है हमारी 58,75,84,59 है। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कि 10, इसका मतलब है कि 10 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है। हमारी जनसंख्या 17.64% बढ़ जाती है। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि कितनी है। हमारी जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1.64% है। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि कुल साक्षरता कितनी है भारत की, तो 74.4% भारतीय कुल साक्षरता है। उसमें पुरुष साक्षरता कितनी है हमारी, 82.14% है। और उसमें महिला साक्षरता कितनी है हमारी, 65.40% है। अब हम लेते हैं हमारा 23वां क्वेश्चन कि भारत की जनसंख्या में लिंग अनुपात कितना है। भारत की जनसंख्या में लिंग अनुपात 940 है, मतलब कि 1,000 पुरुष और औरतें 940। और शिशु लिंग अनुपात कितना है भारत का, जो शिशु लिंग अनुपात है भारत का 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, वो है 1,000 लड़के और 914 लड़कियां। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या गणतव्य कितना है, तो हमारा जनसंख्या गणतव्य है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन से राज्य का है। सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल का है, 1,000 पुरुष है और 1,084 औरतें हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? जो न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा का है, 1000 पुरुष है, 877 औरतें हैं। और सर्वाधिक केंद्र शासित लिंग अनुपात किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो पांडिचेरी का है सर्वाधिक लिंग अनुपात, और न्यूनतम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? वो है दमन है दीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है? न्यूनतम जनसंख्या गंतव्य किस राज्य का है? वो है अरुणाचल प्रदेश का। केवल 17 व्यक्ति रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक जनगंतव्य किस केंद्र शासित प्रदेश का है? वो है दिल्ली का। और न्यूनतम केंद्र शासित जो न्यूनतम जनगंतव्य है केंद्र शासित प्रदेश का, वो है अंडमान निकोबार। और हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश की है, किस राज्य की है? सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? जो न्यूनतम जनसंख्या है वो है सिक्किम की, केवल 6,10,577 लोग रहते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक केंद्र शासित की कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? वो है दिल्ली। और ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सबसे कम जनसंख्या है? वो है लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य है जहाँ जनसंख्या घटी, केवल एक राज्य है हमारे भारत के टोटल राज्यों में से जहाँ जनसंख्या घटी है, वो है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता किस प्रदेश की है? सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, 93.91%। और सबसे कम साक्षरता किस प्रदेश की है? वो है बिहार। देखिए कि न्यूनतम साक्षरता किस प्रदेश की है? बिहार की है, 63.82%। और सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता है वो है लक्षद्वीप की, और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता है वो है दादर व नगर हवेली की। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है ठाणे, महाराष्ट्र राज्य का जिला है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कहाँ है? जो जहाँ जो जिस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं वो राज्य है उत्तर प्रदेश। देश की जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया, ये संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है मेघालय। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि मेघालय में हुई है, 2011 की जनगणना के अनुसार 27.82%। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। तो ये थे हमारे 50-51 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनसंख्या से रिलेटेड थे। लगभग जनसंख्या से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं, और कृपया आप इस वीडियो को एक दो बार और देखें जिससे आपको ये पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस, और आपको याद भी हो जाएंगे। तो धन्यवाद।